तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। एंड आप लोगों को भी पता ही है, जो नॉर्डविन का लैन है उसका जो क्वालिफायर्स राउंड है वो खत्म हो गया है। एंड इसके बाद कुछ टीम्स हमारे को क्वालिफाई करती हुई नहीं दिखाई दी। एंड इसके बाद उन टीम की तरफ से हमारे को कुछ स्टोरीज वगैरह भी देखने को मिली। तो सबसे पहले जो मायावी है उन्होंने क्या स्टोरी लगाई वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो TSM बर्नॉल एंड TSM अर्मिन है उन्होंने भी कुछ स्टोरी लगाई थी, वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है नील स्टार को लेके। तो जो नील स्टार है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा के बताया था कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को एज अ ई-स्पोर्ट्स मैनेजर, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है मॉर्टल को लेके। तो बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली, जो मॉर्टल है वो नॉमिनेट हो गए हैं ई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए। एंड साथ में जो SA12 है वो नॉमिनेट हुआ है कंटेंट ग्रुप ऑफ द ईयर के लिए। एंड सेम चीज के ऊपर जो थक भाई है उन्होंने कुछ स्टोरीज लगा के रिएक्ट करा, एंड वो आप लोगों को तो स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। एंड इसके बाद गोल्डी भाई एंड जो मॉर्टल है उनका रिएक्शन भी आप लोग देख सकते हैं। व्हाट अ गुड न्यूज़, SA12 हैज बीन सिलेक्टेड फॉर कंटेंट टीम ऑफ द ईयर इन ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स। एंड मैं सिलेक्ट हुआ हूँ ई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए। सो भाई मजा आ गया, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्रेजी न्यूज आई है हमारे चैनल पे, सिर्फ कंटेंट था, टिकटॉक वीडियोस थी, एंड वी आर ऑन द वर्ल्ड मैप। लेट्स फकिंग गो, टिकटॉक वीडियोस बना के वी आर ऑन द वर्ल्ड मैप, कंटेंट टीम ऑफ द ईयर। ओ भाई गलत था, उन्होंने अपनी स्ट्रीम पे बताया था कि जो 8-bit है उनको भी एक वार्निंग मिली है, तो उनकी वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। हाँ भाई आज मुझे वार्निंग मिल गई, वैसे चल रहा है आजकल पूरी टीम को वार्निंग मिल गई अल्ट्रॉन की वजह से। हाँ गाइस, इसने भाई मैच के बीच में गालियां भर रहा है, एक सीधी गाली निकल गई, तो आगे उन्होंने बोला वार्निंग है, गाली बंद हो। अरे गाली निकल गई मतलब इंटेंस मोमेंट था वो, मैंने सॉरी बोला उनको, सॉरी वॉरी से थोड़ी कुछ होता है। हाँ तो ठीक है सॉरी, अब आगे से ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो घातक भाई है उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी थी अपनी स्ट्रीम में। तो सबसे पहले उन्होंने क्लच गॉड एंड जो शेडो है उनके बारे में बात करी। एंड इसके बाद उन्होंने गिल वाले मैटर पे भी बात करी थी, साथ में उन्होंने नियो के ऊपर भी कुछ कहा, एंड वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। सोल को सपोर्ट करो भाई, PMWI के लिए फुल सपोर्ट भाई, पूरा दिल से सपोर्ट, दिल से गॉड लाइक का दिल से सपोर्ट। गिल का क्या हुआ, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, देखो गाइज मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप अगर गॉडलेल के फैन हो ना ये सारी चीजों पे फोकस मत करो। लोग क्या है ना, लोगों के पास वैसे भी बोलने के लिए पॉइंट्स नहीं है, तो लोग मैंने देखे कुछ 2-3 हाइलाइट्स देखे, लोगों को उंगली करने की आदत है, जो लोगों को उंगली करने की आदत है वो जिंदगी भर उंगली ही करते रह जाएंगे, जहाँ पे गेम में उंगली करनी चाहिए तो वो गेम में नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो सारी चीजें छोड़ दो, गिल इज वेरी हैप्पी यहाँ पे, बहुत बहुत खुश है। अगर देखो अगर खुश नहीं होता तो यहाँ पे रहता नहीं, सिंपल चीज है, ठीक है। तो चिल करो, जिसको जो बोलना है, जिसको जो एजम्पशंस लगाने हैं, जिसको जो भी बोलना है वो बोलता रहेगा, ठीक है। चिल करो, ही इज हैप्पी, ही इज गेटिंग एवरीथिंग ही वांट, उसको फ्रीडम है यहाँ पे सारी चीजों का, ठीक है। तो चिल, घातक भाई IGL शैडो कंटिन्यू करेगा और यही करेगा, शैडो ही करेगा, लाला अपना लाला बाबू भी असॉल्टिंग पे फोकस करेगा फुल पावर। नियो के बारे में दो शब्द, नियो भाई अपना एक बार MVP बना, उसके बाद लोगों को गिनाते बैठ गया, बहनचोद MVP MVP, फिर क्या है वो से क्या अचीवमेंट्स गिनाना चालू कर दिया, एक चूतिया एक कम्युनिटी का, उसको कॉपी करना चालू कर दिया था उसने। वाइस स्माइल देखो बहनचोद, वही है जो तुम समझ रहे हो। अरे अचीवमेंट्स नहीं गिनाने के, नहीं अचीवमेंट्स बना। हु इज योर फेवरेट प्लेयर गॉडेल को छोड़ के, टीम एक्सपर्स का स्काउट जोन प्रेडिक्शन। इसके बाद जो एनिग्मा फॉरएवर है उन्होंने एक पोस्ट डाला अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कमिंग सून, तो हमारे को उनकी जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। एंड आप लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो मवी है जब वो लाइव स्ट्रीम पे आए थे तो उन्होंने भी इनडायरेक्ट रिप्लाई किया घातक भाई का। एंड इसके बाद उन्होंने भी ट्रोल किया वीरू को, तो उनकी वो वाली क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। कोई ऐसा प्लेयर जो तेरी टक्कर का है क्लोज में, घातक भाई तो अगर आके कल को अगर आके ये दोनों स्ट्रीम पे बोले, आके बकचोदी करें कि हम लोग प्रेशर में थे,
हमको दबाया जा रहा था, तो हम इनको पहले ही बैठ के क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। इधर आ जाओ तू भी, आना स्काउट। हाँ नहीं, मैंने कहा अभी क्लियर कर लेते हैं, कल को आके ये बोलेंगे हम दबाए गए थे, हमारे प्रेशर था। गाइस हमने इन दोनों को पहले ही बोल रखा है, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, कि कल को जाके उधर जाके ऐसा कैम ऑन करके ज्ञान देते रहते हैं हम प्रेशर में। देखो पहले पता होता है यहाँ पे आने से, ठीक है, पहले पता होता है ना कि यहाँ पे क्या है या क्या नहीं, सबको पता है, इनको भी पता है। तो अगर दोबारा जाके कल को बोलेंगे मेंटल टॉर्चर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आज आपके सामने बात हो। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल को कोई स्टेटमेंट देना होगा तो ऑडियंस नहीं सुनेगी। स्टेटमेंट ही नहीं देता हूं मैं कभी, अगर देना होगा ऑडियंस सुनेगी नहीं। हाँ हाँ, तू तेरे को डिप्रेशन हो रहा है, तेरे को दबाया जा रहा है, तेरे टैलेंट को दबाया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही होगा टीम इनसेन एंड टीम एक्सपार्क की हमारे को कल फाइट देखने को मिली थी। एनडीसी के ऊपर जो टीम इनसेन के प्लेयर्स हैं उन्होंने कुछ स्टोरीज वगैरह लगाई थी, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनडीसी का रिप्लाई मवी ने किया था, भगा भगा के, ओए मत बोलो बेइज्जती हो जाएगी, भगा भगा, अरे सीक्रेट, कोई आदमी कितनी दूर तक भागा है? गटका से पकड़ा फेरी पेयर तक छोड़ा। लिटरली अगर स्ट्रीम पे दिखा दिया, दिखाया तो दिखाया। हाँ, और लोगों ने फास्ट एंड फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड करके टॉम एंड जेरी वाला वो भी बनाया। शू असम बता दो। गाइस लोगों ने स्टोरी भी डाल दिया। एंड इसके बाद अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला था अभी से कुछ 7-8 दिन पहले, जहाँ पे मैंने जो रौनक है उनकी न्यू टीम के बारे में बताया था। एंड फाइनली हमारे को उनकी अनाउंसमेंट आज देखने को मिली, एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बता दूंगा।